हेलो फ्रेंड्स, मैं सेल्फ शब्बीर हुसैन एंड यू आर वाचिंग फिजियो टॉक। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कोविशील्ड वैक्सीन के बारे में। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि वैक्सीन लेने के बाद मुझे क्या क्या इफ़ेक्ट देखने को मिले, क्या क्या मेरी बॉडी में चेंजेस हुए और किन किन परेशानियों का सामना मुझे करना पड़ा। साथ ही आपको बताऊँगा कि कोविशील्ड वैक्सीन किस तरीके से बनाई गई है, इसके बारे में आज की वीडियो में हम पूरी आपको जानकारी देंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भारत के अंदर वैक्सीनेशन का दौर शुरू हो चुका है। कोविड-19 के लिए दो वैक्सीन्स हमारे पास मौजूद हैं, एक है भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और दूसरी है सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड वैक्सीन। तो आज की वीडियो में जिस वैक्सीन के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड वैक्सीन। इस वैक्सीन को मैंने 2 फरवरी को लगाया शाम को 4 बजे। इस वैक्सीन के इफ़ेक्ट्स के बारे में मैं बात करूँ तो इस वैक्सीन के जो कॉमन सिम्टम्स हैं जो देखने को मिलते हैं सभी लोगों के अंदर, तो रात को थोड़े से चिल्स मुझे हुए, स्लाइट फीवर था और अगले दिन बॉडी एक मुझे हुआ। इसके अलावा मुझे कोई सिम्टम्स देखने को नहीं मिले। ये वैक्सीन भारत में बनाई गई है और बिल्कुल सेफ है। जहाँ तक बात है इसके सेफ़ होने की, तो ये सेफ़ क्यों है उसके बारे में आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, कोविशील्ड जो वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाई है, तो ये वैक्सीन बनाई किस तरीके से है। इस वैक्सीन के अंदर चिंपैंजी के एडिनोवायरस वेक्टर के साथ सार्स कोव 2 का जो स्पाइक प्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन है, उसको एनकोड किया गया है, उसको एम्बेड किया है, और इन दोनों के रिकॉम्बिनेशन से जो चीज़ बनी है उसको हमारी बॉडी में डाला गया है। मतलब एक वायरस के साथ दूसरे वायरस के ग्लाइकोप्रोटीन को हमारी बॉडी में भेजा गया है ताकि हमारी बॉडी के अंदर हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो एंटीबॉडीज़ डेवलप कर सके। तो चिंपैंजी का जो एडिनोवायरस वेक्टर है उसके अंदर कोरोना वायरस का जो स्पाइक प्रोटीन है, जो सरफेस प्रोटीन है एस ग्लाइकोप्रोटीन, उसको एम्बेड किया है चिंपैंजी के एडिनोवायरस वेक्टर के साथ और उसे हमारी बॉडी में डाल दिया गया है, जिससे हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाएगी और जब कभी भी फ्यूचर में अगर कोरोना वायरस हमारी बॉडी के अंदर आता है तो हमारी बॉडी उसे डिटेक्ट कर लेगी, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर मेमोराइजिंग सेल्स होती हैं। इम्यूनिटी के अंदर जो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है उसमें मेमोराइजिंग पावर होती है। अगर कोई वायरस आपकी बॉडी में पहले आ चुका है या कोई एंटीजन पहले से आपकी बॉडी में आ चुका है तो वो उससे फाइट करने के लिए तैयार हो जाती है। तो दोस्तों, इस कोविशील्ड वैक्सीन के अंदर जो हमारा कोरोना वायरस का सरफेस प्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन है, उसको एम्बेड कर दिया गया है, जिससे कभी फ्यूचर में हमारे पर कोरोना वायरस अगर अटैक करता है तो हमारी बॉडी के अंदर पहले से ही उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होगी, जो कि आपको कोरोना वायरस से लड़ने में मदद करेगी। तो दोस्तों, इस वैक्सीन को लगाने से कोई नुकसान नहीं है, ये वैक्सीन आपको फ़ायदा ही देगी। तो कभी आपको शंका हो रही है, कई लोगों के मन में चिंता है कि वैक्सीन हमें लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए, इस वैक्सीन की एफिकेसी कितनी है, तो मैं आपको एक ही बात बोलना चाहूँगा कि भारत में बहुत सारे प्रोडक्ट्स बिकते हैं जिन पर लिखा होता है ये हानिकारक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जितने लोग तंबाकू खाते हैं उस पर साफ साफ बड़ा बड़ा लिखा रहता है कि ये हानिकारक है, तब भी लोग उसका सेवन करते हैं। पर जो वैक्सीन जो इतने ट्रायल्स के बाद, इतने फेजेस के ट्रायल्स के बाद जिसको अनुमति मिली है हमारे देश में फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगाने के लिए, तो वो वैक्सीन तो 100% सेफ़ है। देखिए, हर वैक्सीन के कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं। आपने अपनी लाइफ में जितनी भी वैक्सीन लगाई होंगी सबके कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो जाहिर सी बात है इस वैक्सीन के भी होंगे। तो वैक्सीन लगाना हमारे लिए सेफ़ ही है। आप लोग ये शंका अपने दिमाग से निकाल लीजिए कि वैक्सीन लगाने के बाद मौत हो जाएगी या हमारी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, या बहुत सारी वीडियोस हैं जो बहुत सारी अफवाहें फैला रही हैं वैक्सीन के खिलाफ, पर वैक्सीन लगाना हमारे लिए बहुत सेफ़ है, क्योंकि जब तक हमारी बॉडी के अंदर कोई एंटीजन जाएगा नहीं तो हमारी बॉडी उसके खिलाफ़ एंटीबॉडी डेवलप कैसे करेगी। और जब तक हमारी बॉडी एंटीबॉडी डेवलप करेगी तो कुछ ना कुछ तो सिम्टम्स आएंगे। अगर कोई एंटीजन पहली बार हमारी बॉडी में जा रहा है तो आपकी बॉडी उसके लिए रिएक्शन तो करेगी ना। तो
इसलिए आपको सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे फीवर देखने को मिलता है या चिल्स देखने को मिलते हैं या बॉडी एक देखने को मिलता है या आपको जो इंजेक्शन साइट है वहाँ पर थोड़ा सा पेन देखने को मिलता है। तो ये सभी वैक्सीन्स के अंदर होता है, कोई नई बात नहीं है कि इस कोविड वैक्सीन के अंदर आपको देखने को मिल रहा है, पर इस वैक्सीन से लोगों को ज़्यादा पैनिक कर दिया गया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने आपको यही क्लियर करने की कोशिश की है कि इस वैक्सीन से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ये वैक्सीन आपको सेफ रखेगी ही रखेगी, हो सकता है ना रखे, बट इसके कोई नुकसान तो नहीं है। पर अभी तक की जो स्टडीज़ आई हैं, क्योंकि इसकी एफिकेसी आपको टाइम के साथ पता पड़ेगी कि कितने टाइम तक ये एंटीबॉडीज़ रहेगी, तो वो तो हमें वक्त बताएगा कि कितने टाइम तक ये हमें सेफ़ रखेगी, पर इस वैक्सीन को अभी लगाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि कोविशील्ड वैक्सीन किस तरीके से बनाई गई है और ये किस तरीके से काम करती है। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें, और आप इस वैक्सीन को लेंगे या नहीं लेंगे वो भी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें। तो आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फिजियो टॉक।